बार लस्सी पी रहे हैं, जो काफी टेस्टी है। तो गाइज अभी हमने फ्यूलिंग करवा ली है, बाइक में पेट्रोल कम था तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ टाइम हो रहा है 9:15 और हम मथुरा से चले थे, देखिए अलीगढ़ SMT टू साहिबाबाद 36 और गोकुल है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो हम अब जा रहे हैं गोकुल और मथुरा से था जहाँ से हमने रूम ले रखा था वहाँ से तब 11-12 किलोमीटर, तो हमने इतना कवर कर लिया है। 8:55 पर चले थे वहाँ से हम और अब टाइम हो रहा है 9:20। चलिए तो गोकुल पहुँचते हैं जल्दी और करते हैं गोकुल को एक्सप्लोर, देखते हैं गोकुल में क्या क्या है देखने के लिए। वैसे बता रहे हैं टेम्पल भी एक दो बहुत अच्छे 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 कृष्ण जी के। देखिए गाइज कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो आगे यमुना जी है और ये पुल है। तो गाइज ये बैराज पुल है, एक बिजनौर जाते हुए पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है गोकुल के पास और ये यमुना जी के ऊपर बना हुआ है। देख सकते हैं आप यमुना जी पूरी सूखी हुई है इस साइड, बीच में थोड़ा सा पार्ट है बस आगे। देखिए यहाँ पे दिख रही है यमुना जी, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ सफाई होनी चाहिए इसकी भी, जैसे गंगा जी में काम चलता रहता है। ये काला पानी हमारी वजह से तो हो रहा है, इतना पोल्यूशन, इतना इसमें कूड़ा कबाड़ा गिरा जाता है, जब तो इतनी गंदी होती जा रही है यमुना जी। गलती तो हमारी है, ये तो हमें तो ठीक करना होगा। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कल जब हम यमुना जी में किनारे पे वहाँ पे बोटिंग कर रहे थे तो बोट वाले भैया बता रहे थे स्टोरी, तो मैं थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करता हूँ। ये यमुना जी यमराज जी की बहन है, तो इन्होंने यमराज जी से अपने भाई से मतलब एक विश मांगी थी। तो देखिए गाइज गोकुल गाँव आ चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज से वरदान मांगा था कि जो भी कोई यमुना जी में एक बार स्नान कर लेगा तो उसे स्वर्ग लोक मिलेगा। तो यमुना जी की बहुत मान्यता है कि आप सारे पाप धो सकते हैं यहाँ पे स्नान करके। लोग बाग मानते हैं ये इतनी गंदी है, कीचड़ है, वो है, तो ये सब बिल्कुल गंदी सोच है। तो वो यमुना जी गंदी किसने की है, वो आपने ही तो की है। तो अगर यहाँ पे आए तो स्नान भी ज़रूर करें किनारे पे। तो चलिए गोकुल हम आ चुके हैं, देखते हैं टेंपल वगैरह और थोड़ी गोकुल की गलियों के नज़ारे। जय गो माता। तो गोकुल में आती हमारे गो माता के दर्शन हो गए, बहुत सारी गो माता थी पीछे। अभी तो गोकुल आए पता नहीं।
कहाँ पे जी, ये जो गेट सा बन रहा था एक, कितना अंदर होगा वहां से? अच्छा तो गाइस जो अभी पीछे हमने एक गेट देखा था वो था मेन गेट, तो वहाँ से अंदर जाके थे टेम्पल्स। और ये हमें अंकल जी बता रहे थे कि ये गाइड करने वाले थे वैसे कि हम आपके साथ चलते हैं, 50-60 रुपये हमें दे देना, हम आपको सारा घुमा देंगे। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें पता था अगर गाइड को ले जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये भी कह रहे थे 1-1.5 घंटे में हम आपको घुमा देंगे, हमें आगे भी कहीं जाना था इसलिए हम फिर खुद ही निकल गए। चलिए तो देखते हैं आगे के नज़ारे। नंद यशोदा भवन भी साइड है, छोड़ो जी खुद देख लेंगे बहन अंकल जी। तो गाइस यहाँ पे नंद यशोदा भवन है मेन, तो वो अंदर वैसे हमें यहाँ पे गाइड भी मिल जाता, अभी अंकल से मैं बात कर रहा था 50 रुपये में, पर वो 1-1.5 घंटे में सारा घुमाएगा, मैं सारा समझाता। वैसे बहुत अच्छी बात है, 50 रुपये में बाइक भी खड़ी करवा देगा और सेफ जगह। तो ये यहाँ का मेन द्वार, तो हम गाइड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और सच बताऊँ तो कैश भी नहीं है इस टाइम, फ़ोन पे वगैरह में ही है। तो यहाँ पे हम किससे हम कैश करवाएं, आगरा में तो निकलवा लेंगे, इसलिए हमने पेट्रोल भी अभी डलवा लिया क्योंकि यहाँ पे इस वाले पेट्रोल पंप पे हमें पेटीएम वगैरह मिल गया था। पीछे हमने पूछा था एक पेट्रोल पंप पे, उस पर कुछ नहीं था। तो देखिए गोकुल की गलियों में अबे कभी बाइक ना जाती हो, जा सकते भाई अंदर। तो गाइस उन गाइड ने हमें मना करा था कि बाइक नहीं जाती, पर बाइक तो जा रही है। अब पता नहीं, हम ऊपर टेंपल देखते हैं, यहीं लगा दूं तो हम बाइक वाइक लगाते, देखते हैं अंदर चल के नंद यशोदा भवन। चलिए तो चलते हैं अंदर, देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ पे श्री नंद यशोदा भवन। स्टार्टिंग में जूते वगैरह उतारती है और अब चलते हैं अंदर टेंपल में। तो गाइज यहाँ पे भी हर टेम्पल की तरह फोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो मैंने आपके लिए जो मेरे हेलमेट में एक्शन कैम था उससे थोड़ा बहुत शूट करा अंदर का। तो देखिए अंदर के नजारे गाइज, आप घर बैठे दर्शन कीजिए श्री नंद यशोदा भवन के, और ये गोकुल में पड़ता है। और गोकुल आपको मैं बता देता हूँ कि वासुदेव जो कृष्ण जी के पिताजी थे, तो उन्होंने जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा जेल में, जो कि आप सब जानते हैं, तो उन्होंने मथुरा से वो कृष्ण जी को गोकुल लाए थे नंद बाबा को देने। तो नंद बाबा को उन्होंने गोकुल में दिए थे कृष्ण जी को, तो यहाँ पे उनका बचपन बीता था पहले। फिर यहाँ पे ज़्यादा कंस के आतंक मच रहा था, यहाँ पे कंस के राक्षस बहुत ज़्यादा राज करने लगे थे, तो इसलिए फिर नंद बाबा चले गए बरसाना के पास नंद गांव। तो वहाँ पे उन्होंने अपने ही नाम से एक गांव बसाया, वहाँ पे रहने लगे थे कृष्ण जी नंद गांव में। तो उससे पहले कृष्ण जी रहते थे गोकुल।
और देखिए गाइज, आपको ये जो मूर्ति दिख रही होगी ये पूतना की है, राक्षसनी पूतना, जो कि आपने देखी होगी अगर कृष्ण जी के कृष्ण जी अगर किसी ने मूवी वगैरह देख रखे तो आपको उसमें पता होगा बचपन में एक राक्षसनी कृष्ण जी को दूध पिलाने आई थी, तो ये वही राक्षसनी है पूतना। तो वो सब भी यहीं पे हुआ था गोकुल में, तो वो सब भी पूतना वाली लीला सारी कुछ गोकुल में हुई थी, तो इतनी धार्मिक जगह है। तो आप अगर मथुरा वृंदावन आए तो गोकुल भी जरूर आए, गोकुल भी बहुत ही धार्मिक जगह है। और देखिए ये है पूतना। गाइस यहीं टेंपल के बाहर लस्सी पी रहे हम, जो कि काफी टेस्टी है। तो गाइज हम टेंपल से वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, तो अब हम गोकुल बैराज मथुरा पुल पे दोबारा वापस आ चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपका सीन। तो एक तो मैं अभी बता देता हूँ, हम जो टेंपल में गए थे अभी नंदी यशोदा मंदिर, तो वहाँ पे अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, तो मैंने फिर भी आपके लिए थोड़ा इसी एक्शन कैम से, हेलमेट मेरे हाथ में था तो एक्शन कैम से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। वैसे अलाउ नहीं है, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत रूबरू करवाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, टेम्पल के अंदर से दर्शन आपको घर बैठे करवा रहा हूँ। तो वीडियो को इसी बात पर कर दे लाइक, और इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। तो आगे का प्लान मैं बता दे तो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा आगरा, तो आगरा में आपको पता ही है फेमस ताजमहल एक्सप्लोर करेंगे, और एक दो जगह और फेमस लाल किला वगैरह जो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट व्लॉग भी जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, और कमेंट्स में बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।